रामलालपुरवा, इस गांव में बहुत सी परेशानियां, गांव के चारों तरफ निकास ही नहीं है और यहां में आने जाने की बहुत ज़्यादा परेशानियां, यहां के प्रधान भी नहीं सुन रहे हैं, किसी अधिकारी के पास अगर कागज़ पत्र दिया जा रहा है वो भी नहीं आ रहे हैं। जल भराव के हिसाब से तो रास्ता चाहला पानी जलना कीचड़, रास्ता सही नहीं है हमारे गांव का जी। आने जाने में बहु बेटियों को सबको बहुत परेशानी आने जाने में, और किसी से अगर कोई प्रधान से या कोई से कहो तो कहते हैं हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई से जांच पड़ताल के लिए रिपोर्ट दरखास्त एप्लीकेशन दिया जाए, कोई सुनवाई न जाँच होता है न पड़ताल होता है जी। क्या करें, हम लोग कहाँ चले जाएँ जी। इतनी परेशानियाँ से हम लोग कष्ट झेलते हैं कि सारे बच्चे डूब जाने से हम लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं कि बच्चे कहाँ चले जाएंगे। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी साहब बहुत है, चाहला में ना ट्रैक्टर निकले ना मनई निकले ना पस निकले, हम लोग का यही बंद रही। तो प्रधान जी से आपने कभी कोई बात की है? प्रधान से कहा लेकिन तो ना ही सुनवाई होती है कुछ, तब कहा की जाए। मेरे को साहब यही परेशानी है कि अभी तक यहाँ कई मतलब 2 साल से हमको परेशानी पड़ रही है, यहाँ घर को जाने में दिक्कत पड़ती है और पानी भरा हुआ है और यहाँ रास्ता हमारा बिल्कुल जाम है। नहीं सर, हमको यहाँ रास्ता बाट जाने में बड़ी समस्या है, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जाने में बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ जल भराव है, इसके कारण हम लोगों को बहुत परेशानी है। हम चाहते हैं कि पानी का निकास बने, रास्ता बने। आपने कभी प्रधान को लिखित दिया है? प्रधान को क्या, डैम तक हमने दरखास्त दिया है। सबसे हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जल्दी जितनी जल्दी हो सके वो स्वयं आकर यहाँ जांच करें और इनकी समस्या दूर करें। मेरा नाम रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला सराबस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।